दिना किचन अधूरा स्मार्ट किचन अप्लायंसेस फ्रॉम कुचिना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं रीनू। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत उमरिया से बड़ी खबर के साथ। शावक का कंकाल मिलने से हड़कंप मचा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ये कंकाल मिला है। चिल्हारी बीट के कुशहा नाला में कंकाल मिलना बताया जा रहा है। तो बता दें कि 15 दिन पहले मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है। जांच में वन अमला जुटा हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं उमरिया से, जहां शावक का कंकाल मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मिला कंकाल, चिल्हारी बीट के कुशहा नाला में कंकाल मिला। 15 दिन पहले मौत की आशंका व्यक्त की गई है। अब वन अमला जुटा हुआ है कि आखिरकार शावक की मृत्यु कैसे हुई है। वाह का कंकाल मिला है और कहीं ना कहीं इससे हड़कंप भी मचा हुआ है। अब पूरे ही मामले में वन अमला जुटा हुआ है, जांच में जुटा हुआ है। 15 दिन पहले मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें, चिल्हारी बीट के कुशहा नाला में ये कंकाल मिलना बताया जा रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ये कंकाल मिला है। जांच पड़ताल में वन विभाग की टीम। तो लगातार जो बाघ हैं उनकी सुरक्षा में तमाम इंतजाम किए जाते हैं, और इस दौरान कैसे शावक की मौत हुई ये एक बड़ा सवाल है। और संवाददाता विजेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं। विजेंद्र, शावक की मौत हुई, कंकाल मिला है, आखिरकार कुछ कारण सामने आए क्या अभी तक? जी, अभी देखिए, अभी कंकाल मिलने की खबर ताजा है, और सुबह ही कैमरा चेक लगाते समय जो बाघ शावक का शव है वो देखा गया है। अभी जो पूरी औपचारिक फॉर्मेलिटी है वो पूरी की जा रही है, और जांच पड़ताल के बाद ही कोई बात सामने निकल के आ पाएगी कि ये घटना कैसे हुई, बाघ शावक की मौत कैसे हुई है। क्योंकि वो खाई है पूरी और करीब 20 से 25 फीट गहरी खाई है जहां पर ये शव देखा गया है। कैमरा ट्रैप लगाते समय वो शव पर नजर पड़ी और लोगों ने देखा है। करीब 25 दिन से 30 दिन पुराना शव का एक संभावना है कि ये इससे पहले इसकी मौत हुई होगी। तो अब चूंकि बड़ा गंभीर मामला है और जांच का विषय है, और जांच के बाद ही कोई बात सामने आ पाएगी। बिल्कुल, ये तो है। क्या कोई शक, कोई आशंका किसी भी तरीके की हत्या के, या कोई आपसी विवाद के दौरान, झगड़े के दौरान इनकी जैसे मौत हो जाती है, कोई भी कारण ऐसा? जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक कोई कुछ भी कहना संभव नहीं है। चूंकि खाई का मामला है और शावक का मामला है जी, बाघ शावक का मामला है, शिकार की संभावना बहुत कम मानी जा रही है जी। और बाघ के आपसी रंजित और आपसी लड़ाई संघर्ष की ही कोई बात हो सकती है जी। इस पूरे इलाके में कई बाघ सक्रिय हैं, और जिस तरह से बाघ का कंकाल मिला है, उम्र भी बहुत ज्यादा कम है, कहीं ना कहीं जांच का विषय है। आखिर के नहीं हालातों में जो है मौत हुई है और कंकाल अब बरामद हुआ है। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, सागर से बड़ी खबर की इस वक्त बात करेंगे। कुत्ता भौंकने पर विवाद हुआ है। दरअसल दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, कुत्ते के भौंकने पर यह विवाद हुआ। तो आप देखिए कि इस हमले में 8 लोग घायल हुए हैं। कुल्हाड़ी लोहे की रॉड से 10 लोगों पर हमला किया गया। पुलिस ने 10 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। रहली थाना के ग्राम कांसल पिपरिया का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सागर से, जहां कुत्ते के भौंकने पर विवाद हुआ, और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। और ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसी स्थितियां निर्मित होती रहती हैं जब कहीं ना कहीं कुत्ते के हमले से, भौंकने की वजह से विवाद होते हैं अपने ही पड़ोस में, इलाके में, और कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और देखते देखते मारपीट में भी तब्दील हो जाती है। कुछ ऐसी तस्वीरें हमें यहाँ पर भी देखने को मिली हैं। फिलहाल 10 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है, पर बड़ी बात यही है कि कुल्हाड़ी और लोहे की रॉड से 10 लोगों पर हमला हुआ है। पुलिस ने 10 लोगों पर मामला भी फिलहाल दर्ज कर लिया है। पूरा जो ये घटनाक्रम है रहली थाना के ग्राम कांसल पिपरिया का बताया जा रहा है। और अब बात जबलपुर से बड़ी खबर की, जहां फिल्म अन्नपूर्णी के स्टार कास्ट पर एफआईआर दर्ज हुई। हिंदू सेवा परिषद ने कराई एफआईआर।
ओमती थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें लव जिहाद भगवान राम के अपमान का इसमें आरोप है। फिल्म के निर्देशक कलाकार समेत चार पर एफआईआर हुई है। नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म रिलीज हुई है अन्नपूर्णी करके इस फिल्म का नाम है जिस पर एफआईआर अब कहीं ना कहीं दर्ज हुई है। हिंदू भावनाओं को रीति रिवाजों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम किया गया है ये तर्क जो है दिए गए हैं जिसने भी ये हिंदू सेवा परिषद के जो लोग हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है उनका तर्क यही है कि हिंदू देवी देवताओं की भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम किया गया है इसी वजह से एफआईआर उनके द्वारा। फिल्म अन्नपूर्णी के स्टार कास्ट पर एफआईआर हिंदू सेवा परिषद ने ये एफआईआर दर्ज कराई। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का बात करेंगे।